नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ेंगे किष्किंधा कांड से षोडश सर्ग अर्थात 16वां सर्ग। पिछले सर्ग में तारा बाली को समझाने का प्रयास करती है कि वो सुग्रीव से संधि कर लें, लेकिन बाली तारा को डांटकर लौटा देते हैं। और इस सर्ग में अब हम देखेंगे बाली का सुग्रीव से जूझना तथा श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिभाननां वाली निर्भर्सयामास वचनं चेदम् अब्रवीत् गर्जतो अस्य सुसंरब्धं भ्रातुः शतोर्विशेषतः मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनां धर्षणामर्षणं भीरो मरणादतिरिच्यते सोढुं न च समर्थोऽहम् युद्धकामस्य संयुगे सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गर्जितं न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति महत्कृते धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथम पापम करिष्यति। तो तारा ने जब बाली को समझाने का प्रयास किया, उनसे निवेदन किया कि वो सुग्रीव से मित्रता कर लें, संधि कर लें, अपने छोटे भाई को क्षमा कर दें, तब तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करते देख बाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा, बोला, हे वरानने, इस गरजते हुए भाई की, जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा? हे भीरु, अरे डरपोक, जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन शूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। ये हीन ग्रीव वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। हीन ग्रीव वाला अर्थात जो नीची गर्दन रखे, जो स्थान में छोटा हो, कमतर हो, तो ये मुझसे छोटा है, इसका इतना साहस हो गया, मैं इसके रोष आवेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। और श्री रामचंद्र जी की भी बात सोचकर तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने वाले हैं, वे भला पाप कैसे करेंगे। निवर्तस्व सहस्त्रीभिः कथं भूयो अनुगच्छसि सौहृदं दर्शितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संभ्रमं दर्पं चास्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्षते अहं ह्याज स्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम् वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रत्यास्यति नामे गर्वितं मायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान् कृतं तारे सहायत्वं
दर्शितं सौहृदं मयि शापितासि मम प्राणैर्निवर्तस्व जनेन च अलं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे। तारा से आगे कहते हैं वाली कि तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो? तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया। अब जाओ, घबराहट छोड़ो, मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। तो हे तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास यानी उद्योग को सह नहीं सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊंगा। तम तु तारा परिष्वज्य वालिनम प्रियवादिनी चकार रुदति मंदम दक्षिणा सा प्रदक्षिणम ततः स्वस्त्ययनम कृत्वा मंत्रविद विजयेशिनी अंतःपुरं सहस्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता प्रविष्टायां तु तारायां सहस्त्रीभिः स्वमालयं नगर्या निर्ययौ क्रुद्धो महासर्पैव श्वसन् सह निःश्वस्य महारोषो वाली परम वेगवान् सर्वतश्चारयन् दृष्टिं शत्रुदर्शन कांक्षया सददर्श ततः श्रीमान् सुग्रीवम् हेम पिंगलम् सुसंवीतम् वष्टब्धम् दीप्यमानम् निवानलम्। तो वाली का आदेश सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने वाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। वो पति की विजय चाहती और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने वाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर वाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली वाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने ही में श्रीमान वाली ने सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। तम स दृष्ट्वा महाबाहु सुग्रीवम पर्यवस्थितम् गाढ़म परिदधे वासो वाली परम कोपनः स वाली गाढ़ संवितो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान् सुग्रीवम् एवाभिमुखो ययौ योद्धुम् कृतक्षणः श्लिष्टम् मुष्टिम् समुद्यम्य संग्रब्धतरमागतः सुग्रीवो अपि समुद्दिश्य वालिनम्
हेममालिनम् तं वाली क्रोधतां राक्षः सुग्रीवमरण कोविदम् आपतन्तं महावेगं इदं वचनम् अब्रवीत् एष मुष्टिर्महान् बद्धो गाढः सुनियताङ्गुलिः मया वेग विमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति। सुग्रीव को सामने खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया और लंगोट को मजबूती के साथ कस कर पराक्रमी वाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तान कर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी वाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़ा। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख वाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह इस प्रकार बोला, सुग्रीव देख ले, ये बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी अंगुलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेग पूर्वक चलाया हुआ ये मुक्का अब तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनम् अब्रवीत् तव चैव हरन् प्राणान् मुष्टिः पततु मूर्धनि ताडितस्तेन तम क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः अभवच्छोणितोद्गारी सा पीडैव पर्वतः सुग्रीवेण तु निःशङ्कं सालमुत्पाट्य तेजसा गात्रेष्वभिहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः स तु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडन विह्वलः गुरुभारभराक्रान्तानौ ससार्थेव सागरे तौ भीम बल विक्रांतौ सुपर्ण समवेगितौ प्रवृद्धौ घोर वपुषौ चंद्र सूर्या विवांबरे। तो बाली के अब इस प्रकार कहने पर, चेतावनी देने पर सुग्रीव क्रोध पूर्वक उससे बोले कि मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तैयार है, तेरे मस्तक पर गिरने के लिए तैयार है। इतने ही में बाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे, मतलब खून की उल्टी होने लगी उन्हें। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निश्शंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे बाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस वृक्ष की चोट से बाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विह्वल हुआ बाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे और वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बहुत जोर से एक दूसरे से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई दे रहे थे। परस्परम मित्रघ्नौ छिद्रान वेषण तत्परौ ततो वर्धत वाली तु बल वीर समन्वितः सूर्यपुत्रो महावीरः सुग्रीवः परिहीयत वालिना भग्न
दर्पस्तु सुग्रीवो मंदविक्रमः वालिनं प्रतिसामर्शो दर्शयामास राघवं वृक्षैः सशाखैः शिखरैर्वज्रकोटिनिभैर्नखैः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिर्बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोर्युद्धं भूद्घोरं वृत्रवासवयोरिव तौ शोणिताक्तौ युद्धे तां वानरौ वनचारिणौ मेघाविव महाशब्दैस्तर्जमानौ परस्परम्। तो वे शत्रुसूदन वीर अपने अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्य पुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर कर दिया, उनका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब वाली के प्रति अमर्ष में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया और इसके बाद डालियों सहित वृक्षों पर्वतों के शिखरों वज्र के समान भयंकर नखों मुक्कों घुटनों लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वे दोनों वनचारी वानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। हीयमानं मथा पश्य सुग्रीवं वानरेश्वरं प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः समुहुर्मुहुः ततो रामो महातेजा आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरं सशरं वीक्षते वीरो वालिनो वधकांक्षया ततो धनुष संधाय शरमाशी विशोपमं पूरयामास तच्चापं कालचक्रं निवान्तकः तस्य जातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः प्रदुद्रुवुर्मृगाश्चैव युगान्तैव मोहिताः मुक्तस्तु वज्रनिर्घोषः प्रदीप्ता शनिसन्निभः राघवेण महाबाणो वाले वक्षसे पातितः। तो श्री रघुनाथ जी ने उन दोनों को आपस में युद्ध करते हुए देखा। वो देख रहे थे कि वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं, बार बार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं, शायद श्री राम को खोज रहे हैं अपनी सहायता के लिए, उनकी बाट जो रहे हैं कि कब आएंगे वो वाली का मर्दन करने के लिए। तो वानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने वाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अशनी की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्षस्थल पर चोट पहुंचाई। ततस्तेन महातेजा
वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले इन्द्रध्वज इवोद्धूतः पौर्णमास्यां महीतले आश्वयुक् समये मासिगत श्रीकोविचेतनः बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वालीचार्त्वस्वरः शनैः नरोत्तमः कालयुगान्तकोपम् शरोत्तमम् काञ्चनरूप्यभूषितम् ससर्जदीप्तम् तम मित्रमर्दनम् सधूम अग्निम् मुखतो यथा हरः अथोक्षितः शोणिततोय विस्रवैः सुपुष्पिताशोकैवानिलोद्धतः विचेतनो वासवसूनुराहवे प्रभ्रंशितेन्द्रध्वजवत्क्षितिं गतः। तो श्री राम ने सुग्रीव की परेशानी देख अपना बाण अंततः वाली पर छोड़ दिया। उसके वक्षस्थल पर चोट पहुंचाता हुआ वो बाण जब पहुंचा तो उस बाण से वेग पूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानर राज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। आश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्र ध्वजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्र ध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन अचेत और आंसुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवर्ती नेत्र से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी, वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान समरांगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार वाली के भूषाई होने के साथ हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में ये 16वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 16 सर्ग। ओम श्री सीता राम चंद्राभ्याम नमः। Thank you.